अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे होंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है बेसिकली वो है वेक्टर का। आज हम लोग यहाँ पर वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, सही है, और उसके बाद हम इसमें डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और हम फिर उसमें रेलेवेंट एमसीक्यूज देख रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्केलर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो देखें, याद रखें, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय ओनली अ नंबर, सही है, यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, उसको हम लोग सिर्फ जो है वो नंबर से, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड से बताएं, विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है, हैविंग एप्रोप्रिएट यूनिट्स आर स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है टेम्परेचर, मास, एक्सेट्रा। ठीक है, अब आप जब भी टेम्परेचर लिखते हैं तो आप लिखते हैं नंबर, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो ये जो हमारे पास टेम्परेचर है, ये 25 क्या है, मैग्नीट्यूड, ओनली अ नंबर, ये एक नंबर है जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसकी यूनिट है। इसीलिए टेम्परेचर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, राइट, और उसकी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, सही है? अब हम लोग आते हैं वेक्टर्स पर। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या है? वेक्टर्स हमारे पास बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है जो कि अपने पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रखता है, सही है। फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू बी स्पेसिफाइड विद एप्रोप्रिएट यूनिट्स आर वेक्टर्स, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग बेसिकली, ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमारे पास फोर्स की वैल्यू लेट से 25 न्यूटन है, ठीक है, और हमें ये बताया जा रहा है कि ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, फोर्स हमेशा जब भी किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होती है तो उसकी डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन होती है, सही है ना, कि फोर्स जो है बेसिकली किस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। तो अब यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर हमारे पास है मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये बन गई इसकी यूनिट, और ये हमारे पास है डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी, ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, उसकी डायरेक्शन और एक प्रॉपर या एप्रोप्रिएट यूनिट के साथ, वो क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, डिफरेंस स्केलर एंड वेक्टर्स के दरमियान, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखना है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हमने यहाँ पे देखा स्केलर्स, वेक्टर्स, ठीक है, अब हम आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर एडिशन किस तरह से होती है? तो देखें, अगर हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है, लेट से हमारे पास है टेम्परेचर, मास, तो इनको हम सिंपल सम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 25, ठीक है, प्लस एक और टेम्परेचर हमारे पास 35, तो इनको हम सिंपल ऐड कर सकते हैं, सही है। तो स्केलर क्वांटिटी को सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में हमारे पास क्या है, वेक्टर में हमारे पास है कि वेक्टर को ऐड करते वक्त हमें या तो ग्राफिकल मेथड या फिर हमें ज्योमेट्रिकल मेथड का सहारा लेना पड़ता है, सही है। तो वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड, सही है। वेक्टर्स क्वांटिटी को हमेशा ऐड किया जाता है ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड से, सही है। तो अब हमारे पास
नंबर वन देखते हैं, नंबर वन हमारे पास है हेड टू टेल रूल, सही है, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर एडिशन का तरीका है, सही है। टू और मोर वेक्टर्स कैन बी एडेड, सही है, दो या फिर दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सही, डैट हेड ऑफ वन वेक्टर, ठीक है, हेड ऑफ वन वेक्टर कॉन्साइड्स विथ द टेल ऑफ अदर वेक्टर, सही है, एंड द रिजल्टेंट इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ द लास्ट वन। अब ये इतनी जो बातें मैंने कह दी है आपसे, तो ये बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूँ। सपोज करें कि आपके पास ये एक वेक्टर है, लेट से इसको हमने कह दिया ए, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक और वेक्टर है, इसको हमने लेट से कह दिया बी, सही है, दिस इज आवर वेक्टर बी। तो ये हमारे पास है वेक्टर बी। अब कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास इस वेक्टर बी को हमने ऐड करना है वेक्टर ए के साथ। तो इसके लिए तरीकेकार क्या होगा, तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे जो पहला वेक्टर है वो कौन सा है, ए है, यानी कि हमने ए को बी के साथ जोड़ना है। तो वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, ये हेड हमारे पास है और ये टेल है। तो पहले वेक्टर के हेड को बेसिकली हम दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ देते हैं, या आप ये समझ लें कि दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से जोड़ देते हैं। तो अगर मुझे इसको ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर के टेल को मिला देंगे, राइट। तो ये बन गया हमारे पास वेक्टर बी। अभी जो वेक्टर बी है ये इसके साथ ज्वाइन हो गया, राइट। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ था डेफिनेशन के अंदर, अब अगर मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए टोटल, तो पहले वेक्टर के टेल से ये देखें क्या लिखा हुआ है, रिजल्टेंट रिजल्टेंट इज ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, एंड द हेड ऑफ द लास्ट वन, राइट। तो लास्ट वन के हेड और पहले वेक्टर के टेल को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है हेड टू टेल रूल, राइट। दिस मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन इज हेड टू टेल रूल। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पैरालेलोग्राम मेथड, सही है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक मेथड है वेक्टर एडिशन का। इसमें हमारे पास क्या होता है, इफ टू वेक्टर्स ओरिजिनेट, सही है, इफ टू वेक्टर्स ओरिजिनेट फॉर्म अ कॉमन पॉइंट देन वी कंसीडर डैम टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सही है। अब ये क्या लिखा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। द पैरेललोग्राम इज कंप्लीटेड एंड द डायगनल ऑफ द पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, दिस नोन एज पैरेललोग्राम लॉ। सपोज डैट के हमारे पास यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, सही है, दिस इज वेक्टर बी। तो हमारे पास पैरेललोग्राम मेथड क्या कहता है कि अगर आपने वेक्टर एडिशन करना है तो आप क्या करें, इस बी के एडजेसेंट बिल्कुल इसके सामने इसी वेक्टर को ड्रॉ कर लें, सही है। तो ये वेक्टर बी बिल्कुल बी के सामने ड्रॉ कर लिया हमने, और ये वेक्टर ए के सामने बिल्कुल इसके एडजेसेंट हमने ए ड्रॉ कर लिया है, सही है। अगर हम अब इसको यहाँ से इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम लोग यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, सही है, तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट, ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अगर हम रिजल्टेंट लिखें तो यहाँ पर रिजल्टेंट लिखाएगा ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास
टेल जो है ए का पहले आ रहा है, तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट जो है हमारे पास ये बराबर होगा वेक्टर ए ठीक है प्लस वेक्टर बी के, ठीक। और अगर हम इस वाले रिजल्टेंट की बात करें, चलें इसको आप कह दें आर प्राइम, तो ये आर प्राइम हमारे पास किसके बराबर होगा, सो ये हमारे पास बराबर होगा बी प्लस ए के, ठीक है बी प्लस ए के, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो बी है बी के जो टेल है वो पहले आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा था ए का टेल पहले आ रहा था। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए प्लस बी बराबर आ जाएगा बी प्लस ए के, ठीक है। और ये आपने देखा भी है पहले इंटरमीडिएट में, इसको आपने देखा भी था वेक्टर एडिशन में, राइट। तो ये हमारे पास है सेकेंड मेथड, जिसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड। इसमें हम लोग बेसिकली वेक्टर की एडिशन करते हैं, ठीक है ना, लेकिन किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास वेक्टर ए है तो आप उस वेक्टर ए के एडजेसेंट बिल्कुल उसके सामने वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, और आपके पास अगर वेक्टर बी है तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट उसके सामने आप वेक्टर बी ड्रॉ करेंगे, एंड देन इन दोनों को आप मिला देंगे, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। ओके आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइन। तो ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन क्या है बेसिकली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है ना। अगर हमने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है, यानी कि हम जो है वो बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं एंड देन हम उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब याद रखें ये दो वेक्टर्स का एडिशन है, राइट। और अगर डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लिखते हैं, ठीक है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरह से होता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर्स है, ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान कुछ ना कुछ एंगल है, इसको हम कह रहे हैं थीटा। ये हमारे पास है लेट्स से वेक्टर ए, ये हमारे पास है वेक्टर बी। तो ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, सही है। तो ये जो एंगल होता है ये बेसिकली ए एंड बी के दरमियान होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा ये एंगल हमेशा ए एंड बी के दरमियान होता है। सो वेयर ए एंड बी आर द वैक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम, चाहिए। इफ़ द एंगल बिटवीन टू वैक्टर इज 0 डिग्री, वैक्टर्स आर सिंपली एडिड एंड देयर रिजल्टेंट बी मैक्सिमम। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वैक्टर्स इस तरह से हैं, इनके दरमियान एंगल जो है हमारे पास 0 डिग्री है, ये दो वैक्टर्स हैं ठीक है, और एंगल हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, तो इनको सिंपली ऐड कर लिया जाएगा, सही है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है वेक्टर ए और ये हमारे पास है वेक्टर वी, तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो सिंपल रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। अगर वेक्टर्स दो वेक्टर्स के दरमियान अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री है तो इसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, या आपसे यूँ कहा जाए कि दो वेक्टर्स जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, उनके मैग्नीट्यूड ये हैं, आप उनको डायरेक्ट ऐड करके रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारे पास दो वेक्टर्स कुछ इस तरह से हों, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है थीटा 0 डिग्री वाली, जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों या एक ही डायरेक्शन में हों। अगर हमारे पास कंडीशन कुछ यूँ हो जाए कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड सेकेंड वेक्टर हमारे पास बी वो इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो अब इनके रिजल्टेंट को कैसे मालूम किया जाएगा, तो इसके रिजल्टेंट को मालूम करने का तरीका क्या होगा, तो थीटा यहाँ पर है 180 डिग्री, हेयर थीटा इज इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 180 डिग्री है यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप इनके रिजल्टेंट को सेम मालूम करेंगे, यानी कि अब ए माइनस बी कर देंगे, सही है, पहले ए प्लस बी था अब ए माइनस बी हो जाएगा,
तो ये लिखा हुआ है इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 180 डिग्री वेक्टर आर सिंपली सब्ट्रैक्टेड एंड देयर रिजल्टेंट भी मिनिमम चाहिए, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ऊपर वाले केस में क्या था, इस वाले केस में हमारे पास मैक्सिमम, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, मिनिमम। क्यों? क्योंकि एंगल, एंगल की वजह से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है भाई यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है। तो भाई कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा 0 डिग्री पर ये होता है 1, ठीक है, कॉस 90 पर ये होता है 0, और कॉस 180 ये होता है -1। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम, ये हमारे पास है 0, और ये हमारे पास है मिनिमम। तो याद रखें हमेशा जब भी मिनिमम की बात होगी तो वहाँ पर हम लोग एंगल हमेशा 180 डिग्री की बात करेंगे, सही है, क्योंकि 1 डिग्री की मीनिंग होती है, 180 डिग्री की मीनिंग होती है हमारे पास बेसिकली कॉस है, तो वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, सही है। अब कम तो देखें 0 से भी कम है, और वो क्या है, नेगेटिव में है, तो इसीलिए कम ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा 0, 0 से भी कम है जो कि नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, तो लिहाजा -1 इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है एक न्यू टॉपिक, इसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ मैटर, सही है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैथड। तो चलें आए हम लोग देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैथड। ओके तो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैथड क्या होता है, तो बेसिकली आपको पता है कि अगर हमारे पास वी हैव एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है ना, तो लेट से दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, दिस इज़ आवर वाई एक्सिस, अगर एक वेक्टर है हमारे पास इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं, उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल कि ये वेक्टर हमारे पास है एफ का, तो ये कंपोनेंट बनता है इसका एफ एक्स, और ये कंपोनेंट बन जाता है इसका एफ वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते क्या हैं, तो हमने बेसिकली वेक्टर को हमने बेसिकली यहाँ पर क्या कर लिया है, उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया है, तो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सही है। और याद रखें ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एफ एक्स एंड एफ वाई, इसके दरमियान एंगल हमेशा होता है 90 डिग्री, सही है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, और आगे हम लोग पास्ट पेपर करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको ये सारी बातें बताऊँगा, ठीक है। अब 90 डिग्री, ये रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई दोनों हैं, इनके दरमियान एंगल हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, राइट। अच्छा ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला बेसिकली बहुत सारे वेक्टर्स के लिए लिखा गया है, लेकिन अगर आपके पास दो वेक्टर है तो आपको याद होगा हमने बहुत पहले फार्मूला पढ़ा था कि अंडर रूट, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, राइट। अब ये तो उस वक्त होता है जब हमारे पास फोर्स की जो है तादाद एक ही हो, लेकिन अगर फोर्स हमारे पास ज़्यादा होंगे तो जाहिर जारी बात है एक्स वाले कंपोनेंट में सारे एक्स को हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर यही काम हुआ हुआ है, ठीक है, और फिर सारे वाई वाले कंपोनेंट हमें तमाम वाई को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूला बनाया है, ये फार्मूला हमारे पास है जनरल फार्मूला, सही है, लेकिन फार्मूला होता यही वाला है। इन शॉर्ट मैं आपको इसको बताऊँगा कि किस तरह से आगे यूज़ करते हैं, ठीक है, एम सी क्यूज़ में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज़ करना है इसको, लेकिन अब याद रखें एफ एक्स में तो सारे एक्स आ जाते हैं, अगर हमारे पास फोर्सेस ज़्यादा हों, एक से ज़्यादा फोर्स हो, ठीक है ना, तो हमारे पास एक्स में तमाम एक्स कंपोनेंट आएंगे तमाम फोर्सेस के, और वाई में तमाम वाई कंपोनेंट आएंगे तमाम फोर्सेस के, राइट। तो बहरहाल ये आगे हमें देखने को मिलेगा। अच्छा फिर ये हमारे पास है एंगल, तो आपको पता है हम लोग एंगल भी देखते थे फॉर्मूले की मदद से, तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया जो कि काम आता है हमें, और नंबर 2 अगर हमें एंगल निकालना हो, लेट से हमें इसके एंगल निकालना है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं थीटा इज इक्वल्स टेन इनवर्स, ठीक है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर ये वही वाली बात है, देखें ऊपर y कॉम्पोनेंट नीचे x कॉम्पोनेंट है, तो सारे y वाले सारे x वाले, ठीक है, तो लिहाजा ये दो फॉर्मूले याद रखें आप, आसान वाले सारे काम इससे आपके हो जाएंगे, राइट। ओके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमने ये भी देख लिया अभी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। देखें टाइप्स ऑफ वेक्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि
ये कोई डेफिनेशन वगैरह इसकी पूछ लेते हैं कि भाई डेफिनेशन लिख दिया और कहते हैं भाई फला वेक्टर है, ये ज़रा बताएं कौन सा वेक्टर है। आपको बता देंगे भाई कि एक वेक्टर है जो कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी है, सही है, और बताएं कौन सा वेक्टर है, नाम क्या है। डेट इज़ वाई टाइप्स ऑफ वेक्टर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर। सबसे पहले हमारे पास यूनिट वेक्टर, सही है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली कैसा वेक्टर है? द वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, सही है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। अब देखें ये आ गई बात, अब सवाल में पूछ लेंगे आपसे भाई कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड है 1, बताएं ये वेक्टर कौन सा है। तो आपने सिंपल क्या कहना है, यूनिट वेक्टर है, सही है। द वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड यानी कि 1 एंड इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑनली, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएगा, सही है। तो ये वेक्टर कहलाता है यूनिट वेक्टर। अब ये इसका फार्मूला है, फार्मूला कैसे आया? तो देखिए हमें पता है कि अगर एक वेक्टर ए है और इसके ऊपर हम लिख रहे हैं एरो, तो इसका मतलब है कि अगर ये वेक्टर है तो इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन को लिखते हैं हम लोग, ठीक है, कैप से। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को और ये बता रहा है डायरेक्शन को, सही है। तो अगर हमें ए कैप चाहिए तो ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में। तो देखें ये फार्मूला बना, तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास है यूनिट वेक्टर का फार्मूला, और जो कि हमें डायरेक्शन बताएगा और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर होगी, सही है। अब ए मॉड का मतलब क्या है? तो ए मॉड का मतलब है ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है ए एक वेक्टर है ना, ए एक वेक्टर है। फॉर एग्जांपल 2i प्लस 3j, ठीक है, माइनस 4k, ए हमारे पास एक वेक्टर है। अगर ए हमारे पास एक वेक्टर है तो अब इसके मैग्नीट्यूड चाहिए, अमाउंट, खाली अमाउंट चाहिए, तो उसका तरीके कार क्या है ये हमें देखना है, सही है। हमारे पास मेथड क्या है? अगर हमें ए मॉड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड, खाली अमाउंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयर रूट, ठीक है, जो हमारे पास एक्स, ठीक है ना, ये आई हमारे पास है यूनिट वेक्टर, सही है। अब ये आई यूनिट वेक्टर कहाँ पे होता है, एक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ये हमारे पास है एक्स, ये हमारे पास है वाई, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग आई हमारे पास बनता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। वाई डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास बनता है जे यूनिट वेक्टर, और जेड डायरेक्शन के अलोंग हमारे पास बनता है के यूनिट वेक्टर, सही है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर 2 आई है तो आप समझ जाएंगे कि हम एक्स की डायरेक्शन में कितना मूव कर रहे हैं, 2 यूनिट, वाई की डायरेक्शन में कितना मूव कर रहे हैं, 3 यूनिट, सही है। तो आपने गणना क्या होगा, सिंपल, जो भी आपके पास आई का कोफिशेंट है आप उसका स्क्वायर कर लेंगे, सही है, आई के कोफिशेंट का स्क्वायर, जे के कोफिशेंट, जेड के कोफिशेंट, यानी कि आप 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, और फिर इस 4 का स्क्वायर करेंगे, और फिर आप उसका रूट ले लेंगे, सही है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी ए मॉड, ठीक है। अभी सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं और इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। तो जब आगे ना हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिसालें होंगी सामने, ठीक है, हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा बात समझ में आएगी। लेकिन आप यहाँ पर दो चीज़ें याद रखें, एक इसकी मैग्नीट्यूड और एक इसकी डायरेक्शन, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। बाकी तमाम चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नंबर 1 हमने देख लिया यूनिट वेक्टर, यूनिट की मीनिंग होती है 1, यूनिटी। अब हमारे पास है टाइप नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ है नेगेटिव वेक्टर, सही है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। हमारे पास ऐसा वेक्टर जिसके अमाउंट तो सेम हो बट वो डायरेक्शन अपनी अपोजिट रखे। लेट से कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ए, इसको हमने कह दिया हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। अच्छा, एक और वेक्टर है जो कि हमारे पास इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बनेगा माइनस ए, तो ये ए का नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। अब देखें इसकी लेंथ सेम है,
ये जो हमारे पास लेंथ होती है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है, सही है, और हेड जो है डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, राइट। यानी कि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली ये जो दोनों वेक्टर की लेंथ है वो इक्वल है, यानी कि दोनों इक्वल लेंथ के हैं, तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेंथ आपको शो करता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो ये कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। दिस इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, सही है, ये आपने याद रखना है। नंबर थ्री हमारे पास है इक्वल वेक्टर। अब इसमें हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल यानी कि एक जैसे होंगे, बराबर। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब एक ऐसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या है, सेम, एंड डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है, सेम। तो लेट्स से कि ये हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है, और एक और वेक्टर हमारे पास है, इसको हम कह रहे हैं वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, क्यों, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर्स, ए एंड बी वेक्टर्स, ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर, ठीक है, इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे। तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। नंबर फोर हमारे पास है पोजीशन वेक्टर। अब हमें यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है, पोजीशन वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो कि पोजीशन को बताए। देखें, वेक्टर डेट स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजन, सही है, इस कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो एक ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन को बताए, सही है ना, वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास टू डायमेंशन में, लेट्स से दिस इज आर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आर वाई एक्सिस, ठीक है, ये जीरो है ओरिजिन, सपोज करते हैं 1 2, और यहाँ पे भी चलें 1 2, इस तरह से हम देखते हैं, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये हमारे पास है 2 और फिर नीचे 1 होगा, सही है, इस पॉइंट पे 1 है। अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करूँ इस तरह से, तो अब मुझे बताएं इस वेक्टर की पोजीशन क्या है, जवाब है वाई पर 2 और एक्स पर 1, है ना, वाई पर 2 और एक्स पर 1, ठीक है। तो ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ये आपको क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, दिस इज वेक्टर, तो ये वाई पर कितना है 2 है और एक्स पर कितना है 1 है, तो दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो कि आपको पोजीशन बताए, निकल आता है पोजीशन वेक्टर, सही है। अब अगर ये 3 डायमेंशन में होगा तो वहाँ पर जाहिर बात है जेड भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने 2 डायमेंशन को समझा है तो इसीलिए यहाँ पे एक्स और वाई है, ओके। अब अगर हमें पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को निकालना हो, इट्स मैग्नीट्यूड डेट इज आर, आर से हम शो करते हैं पोजीशन वेक्टर को, तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, और ये वही बात जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्स वाई जी के स्क्वायर से क्या मुराद है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेक्टर है तो एक्स की वैल्यू है इसकी 1, तो आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, वाई पर कितना है 2, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे, और ऐसी जो जेड की वैल्यू होगी वो हमें पता होगी तो हम पुट करेंगे और जेड का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी मैग्नीट्यूड, और ये इसकी वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, सही है, वेक्टर फॉर्म में आप देख लें यहाँ पे लगा हुआ है एरो, ये आ गया आई जे के, और ये एक्स क्या है, अननोन कोफिशेंट, वाई अननोन कोफिशेंट, जेड अननोन कोफिशेंट, राइट। तो लिहाजा आर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है और आर हमारे पास मैग्नीट्यूड फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारे पास, सॉरी डेफिनेशन नंबर हमारे पास है 5, ठीक है, 5 में क्या लिखा हुआ है, फ्री वेक्टर। सो फ्री वेक्टर हमारे पास क्या होता है, अब देखें नाम समझ में आ रहा है, फ्री वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसको हम डिस्प्लेस करवा सकें, ठीक है ना, वेक्टर डेट कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इट सेल्फ एट एंड अप्लाइड एट एनी पॉइंट, सही है, और उसको हम कहीं पर भी अप्लाई कर दें। फ्री वेक्टर के बारे में बेसिकली ये कहा जाता है कि हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास है एक वेक्टर ए। अब अगर ये वेक्टर ए फ्री वेक्टर है तो इसको हम डिस्प्लेस करवा सकते हैं, मूव करवा सकते हैं, लेकिन इसके ही पैरेलल, तो
इसके पैरेलल कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, एंगल चेंज नहीं हो, मतलब 0 डिग्री रहा, इस तरह से मूव करना है। तो ये अब हमने क्या किया, इस वेक्टर को हम डिस्प्लेस करवा दिया हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो दिस वेक्टर ए इज़ अ फ्री वेक्टर जिसको हमने डिस्प्लेस किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन कैसे किया, कंडीशन क्या थी कि उसकी डायरेक्शन नहीं बदली, सही, जिस डायरेक्शन में वो पहले थी अभी भी वो उसी डायरेक्शन में है, राइट, ये कहलाएगा फ्री वेक्टर। अब जाहिर बात है लाजमी नहीं हमेशा ऐसे ही होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर ए इस तरह से, तो अब इसका फ्री वेक्टर क्या बनेगा, इसको मूव करवा लें पैरेलल, अगर इसको हम पैरेलल मूव कराएंगे, लेट्स से दिस इज आवर वेक्टर ए, ठीक है, तो इसको हम जब मूव कराएंगे तो ये कहाँ बनेगा, इसके नीचे बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसको हम लोग मूव करवा सकते हो पैरेलल, यानी कि इन शॉर्ट उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, वो वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। तो वेक्टर डेट कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इट सेल्फ एंड अप्लाइड एनी पॉइंट, ठीक है ना, और इसको हम अप्लाई कर दें किसी भी पॉइंट पर, तो ये वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। नल वेक्टर पे आते हैं, अब नल की मीनिंग क्या होती है, ज़ीरो, देखें एम्प्टी। अब ये कैसा वेक्टर है, तो नल वेक्टर अ वेक्टर विथ ज़ीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो है, एंड स्पेसिफाइड एंड नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट्स मैग्नीट्यूड इज नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, ठीक है, एंड उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, तो ये वेक्टर कहलाता है नल वेक्टर। तो ये सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर को आपने याद रखना है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह पूछ लेते हैं, एक डेफिनेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिख कर दे देंगे, कहेंगे बताएंगे कौन सा वेक्टर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा यूनिट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर, राइट। अब हमने जितना अभी तक किया है लेक्चर नंबर इस लेक्चर में जितना भी हमने कुछ किया है, अभी इसको हम आगे यूज़ करेंगे अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, सही है। तो आए चलें हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं, ठीक है, कि इसके सवालात टेस्ट में किस तरह से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, अ वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, ठीक है, वेक्टर एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, या ऑप्शन सी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डी ईदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, या तो मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन, सही है। तो मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि हमारे पास वेक्टर क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों अपने पास रखती है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखें, क्वेश्चन नंबर टू में लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ 5 न्यूटन फोर्स इज 4 न्यूटन। देखें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है। अब कहते हैं हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स है, उसका रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट क्या है, 4, ठीक है ना, एक कॉम्पोनेंट दिया हुआ है। हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, अब उसमें से दो में से एक दिया हुआ है, द अदर कॉम्पोनेंट इज, हमें नहीं बताया ये कौन सा है, तो इसको आप अज्यूम कर लें कोई सा भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, वजह बता दूँ मैं आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे, कि जनाब हमारे पास फोर्स इज इक्वल्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ऐसा था। अब देखें इसको आप एफ एक्स सपोज कर लें, यानी कि ये फोर्स का कोई एक रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट है, या तो ये एफ एक्स है या तो ये एफ वाई है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसको आप कुछ भी सपोज करें तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा वो साइड, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि इस फॉर्मूले को हम आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि लेक्चर में आया था अभी। अभी जो फोर्स है ये गिवन है 5, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 5 का स्क्वायर, ठीक है, अब इसको सपोज कर लें आप एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, दिस विल बिकम 25, दिस विल बिकम 16 प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एफ वाई स्क्वायर 25 माइनस 16, तो कितना आएगा, ये हमारे पास है 9, सही है। तो अब 9 है और क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें एफ वाई मालूम करना है, तो ये आप रूट ले लेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 3। तो हेयर एफ वाई इज इक्वल्स अंडर रूट 9, जो कि हमारे पास 3 न्यूटन के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास बी राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि अ वेक्टर इन स्पेस हैज़,
स्पेस में बेसिकली हमारे पास वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, सही है? तो वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो याद रखें, जब भी हम वेक्टर इन स्पेस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? एक्स वाई जी तमाम शामिल होते हैं। अच्छा, फोर्थ में क्या है हमारे पास? अ वेक्टर इन अ प्लेन हैज़, एक प्लेन पर हमारे पास वेक्टर है, सही है? तो उस प्लेन में वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स होंगे हमने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास, अब इसमें वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, थ्री कंपोनेंट या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारे पास अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, सही है? तो दिस इज अ वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई प्लेन में, तो कंपोनेंट कितने होंगे? दो, सही है? कि एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इस तरह से ये हमारे पास है एक्स और ये हमारे पास है वाई, ठीक है? और ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में इस तरह से, तो कितने कंपोनेंट बनेंगे? एक्स कंपोनेंट बनेगा, वाई कंपोनेंट बनेगा। तो प्लेन विल डिसाइड, ठीक है ना, कि कंपोनेंट हमारे पास कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय, सही है? पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली हमारे पास एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? तो एक्स वाई प्लेन में, आप सिंपल सी बात है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास एक्स और वाई दोनों शामिल है, जेड की बात नहीं होगी। तो ऑप्शन देख लें हम, एक्स वाई यानी कि एक्स के साथ हमारे पास क्या आता है? आई, और वाई के साथ क्या आता है? जे। तो आई जे, तो आई एंड जे, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है? आई जे आपने देखना है, एक्स वाई, तो इसका मतलब एक्स की मीनिंग आई, इस डायरेक्शन में क्या होता है? आई होता है, और इस डायरेक्शन में क्या होता है? जे होता है, ठीक है? तो आई जे आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है? तो इसीलिए हमारे पास एक्स वाई है तो आई जे, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखें, इसमें लिखते हैं कि हमारे पास टू वेक्टर्स, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, हमारे पास दो फोर्स है, दोनों की ही मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है, एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, सही? किस तरह से एक्ट हो रहे हैं? परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स विद द हॉरिजॉन्टल विल बी, सही है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ ये जो रिजल्टेंट फोर्स एंगल बनाएगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखें, अगर आप, अब ये हमारे पास जाहिर सी बात है, ये है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है। सो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास है, लेट्स से दिस इज एफ एंड दिस वन इज आल्सो एफ, ठीक है? दो फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है? एंगल 90 हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसका जो रिजल्टेंट है हमारे पास, ये रिजल्टेंट है आर। अब ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा इस एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा इज इक्वल्स टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, ऐसे ही था। अब यहाँ पे हमारे पास टेन इनवर्स एफ वाई की मीनिंग क्या होती है? वाई कॉम्पोनेंट, जो कि एफ के बराबर है, ठीक है? और यहाँ पर है एफ एक्स, तो एफ एक्स की मीनिंग क्या होती है? एक्स कॉम्पोनेंट, जो कि हमारे पास वो भी एफ के बराबर है। तो इसको आपने पुट किया, ये सब कुछ कैंसिल, कितना आ जाएगा? वन। टेन इनवर्स वन की वैल्यू होती है 45 डिग्री, सही है? तो हमारे पास बी यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनी वैक्टर, किसी भी वेक्टर का हमारे पास, ठीक है ना, वेक्टर कोई भी हो, जो उसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एफ एक्स एंड एफ वाई, ये हम जानते हैं। अगर फोर्स की बात करें, अगर कोई और सा वेक्टर है, अगर हम इन जनरल बात करें, तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई, राइट? तो हमारे पास कोई भी वेक्टर है, उसके दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट होते हैं, राइट? एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई, सही है ना? तो इनके दरमियान एंगल कितना होता है? तो भाई 90 डिग्री होता है। एफ एक्स एंड एफ वाई दे आर परपेंडिकुलर, तो हमारे पास ये 90 डिग्री पर होते हैं। तो डी हमारे पास राइट आंसर है, ठीक है? इस तरह से अगर इसको आप देखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स और ये हो जाएगा वाई। ठीक है, सपोज ये हमारे पास है वेक्टर एफ, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ एक्स एंड दिस वन इज एफ वाई। तो इन दोनों कंपोनेंट के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, इट्स कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हमसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, सही है, 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो 5 न्यूटन फोर्स लग रही है कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। तो बताइए इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा? ठीक है ना, इट्स कॉम्पोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। देखें आप कॉमन सेंस की बात देखें आप, मतलब इसको आप ऐसे ही जज कर सकते हैं, अगर फोर्स ही वाई पर लग रही है तो एक्स पर तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब जीरो, सही सिंपल है। और अगर इसको आप सॉल्व करना चाहें तो आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स एफ कॉस थीटा, सही है, एफ कॉस थीटा। अब फोर्स कितने एंगल पर है? 90 की डिग्री है ना, 90 पर है, तो एफ की वैल्यू हमारे पास है 5 और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 हमारे पास 0 और 0 से मल्टीप्लाई, वो अल्टीमेटली जवाब ही आ जाएगा 0, सही। तो सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर फोर्स ही वाई पर है तो जाहिर ही बात है एक्स पर तो कोई कॉम्पोनेंट उसका होगा ही नहीं। ठीक है, इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि एक फोर्स है वो एक्स कॉम्पोनेंट पर है, सपोज डेट 5 न्यूटन। ठीक है, बताइए इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा? जवाब है 0। अब वाई कॉम्पोनेंट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ वाई इज इक्वल्स एफ साइन थीटा। ठीक है, अब एंगल यहाँ पर कितना है? 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा एफ साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होती है, तो सब कुछ यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि फोर्स ही कहाँ पर है? एक्स पर है, तो वाई पर तो कोई फोर्स होगी नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई रिक्वायर्ड नहीं है फॉर्मूला यहाँ पर, सही है, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास लिखते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, यानी कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है हमारे पास एफ है। ठीक है ना, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज ऑल्सो मैग्नीट्यूड एफ, दो वेक्टर है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड एफ के बराबर है, यानी कि एफ वन एफ टू, उनका जो रिजल्टेंट है वो भी एफ के बराबर है, तो बताइए एंगल कितना बनेगा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान? इसका हमारे पास जवाब होता है 120 डिग्री, सही है, इसको आपने डायरेक्ट याद रखना होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं उन दोनों वेक्टर्स के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बेसिकली एफ के बराबर है और जो उनका रिजल्टेंट है वो भी एफ है, तो जवाब आएगा 120, सही है, यानी कि एफ वन हमारे पास एफ के बराबर है, ठीक है, एफ टू हमारे पास एफ के बराबर है और इन दोनों का रिजल्टेंट वो भी एफ के बराबर है, अगर तीनों एफ के बराबर हैं तो एंगल हमारे पास है 120 डिग्री। ठीक है, ये आपने डायरेक्ट याद रखना है, और अगर फिर भी आप सॉल्व करना चाहें, मतलब ये सब कैसे आ रही है वैल्यू, तो आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखवाया था पीछे आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, तो देखें रिजल्टेंट हमारे पास क्या है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को पहले हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास है आर, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये आ गया अंडर रूट ए, हमारे पास क्या है एफ वन के बराबर, तो यहाँ पुट कर दें आप एफ वन का स्क्वायर प्लस एफ टू का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, एफ पुट कर दिया हमने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें, सही है, तो यहाँ से ये रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एफ स्क्वायर, एफ वन एफ के बराबर था, एफ टू हमारे पास एफ के बराबर था, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f(f)cos थीटा। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल्स 2f² प्लस 2f² cos थीटा। ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त करें आप जब आप भूल जाएं,
वैल्यू, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, टेस्ट के अंदर, तो इसीलिए आप जो है वो डायरेक्टली याद रखें। सही है, 2f² यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, और इस f² से f² कैंसिल कर दें, यहाँ 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 1 यहाँ पे था प्लस में, तो यहाँ पर आके माइनस, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब 1 में से हाफ करना है, तो हाफ ही बचेगा, लेकिन साइन कौन सी आएगी, बड़ी वैल्यू के साथ वाली, तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स माइनस हाफ। अगर यहाँ पे हमारे पास प्लस होता ना, प्लस, तो वैल्यू आती 60 डिग्री, लेकिन माइनस है तो अब उसका डबल हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे, थीटा विल बी 120 डिग्री। अब इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की है, ये सिर्फ उस वक्त होगा जब आप चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद है और शॉर्टकट ट्रिक्स पता है आपको, तो आप इसको डायरेक्टली कर लें कि भाई अगर तीनों एफ के बराबर है, ठीक है, दो वेक्टर्स उनका मैग्नीट्यूड एफ और जो उनका रिजल्टेंट है वो भी एफ, तो सिंपल एंगल कितना है 120 डिग्री, बस ये या आपने याद रखना है। और अगर फिर भी आपको याद नहीं हो तो आप सिंपल याद रखें ये फार्मूला। और शॉर्टकट ट्रिक क्या है आपके पास, कि इसमें आपके पास है कॉस, ठीक है, थीटा, अगर यहाँ पे माइनस हाफ है तो इसका मतलब है कि 120 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, और अगर इस माइनस को हटा देंगे आप तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, अ फोर्स वेक्टर एफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, इट्स एक्स कॉम्पोनेंट विल बी, हमने ये बताना है कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या होगा, तो हमें यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट करना है एक्स कॉम्पोनेंट इस फोर्स का, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स एफ कॉस थीटा। सही है, अब फोर्स की वैल्यू हमारे पास थी 30 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई कॉस, एंगल कितना है 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल पुट कर दिया आपने, ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60। अच्छा, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, अब ये कैसे आएगी है? मैं आपको ना इसके बताऊँगा शॉर्टकट कि ये आप याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, ये से कैंसिल, कितना आ जाएगा 15 न्यूटन। ठीक है, हाफ कर लिया हमने, 30 है ना, तो 30 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेसिकली ये राइट हो जाएगा, 15 न्यूटन। अच्छा, फिर कहते हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विथ ईच अदर, दो फोर्सेस हैं जो कि एक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री पर, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, तो बताइए इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब ये आसान सवाल है बहुत, मैंने क्या बताया था आपको कि फोर्स इज इक्वल्स, ठीक है, f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, डायरेक्ट ये इस्तेमाल होगा जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा रिजल्टेंट के लिए। क्योंकि वजह क्या है, वजह ये है कि भाई अगर आप ये सब भी लिखेंगे 2ab cos थीटा, तो थीटा हमारे पास है 90, cos 90 जीरो, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली सिर्फ ये चीज़ बचेगी आपके पास। सही, तो इसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर, और अगर आप स्क्वायरिंग कर लें बोथ साइड तो ये हो जाएगा सिंपल f दिया हुआ है, सॉरी f हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल्स f1 की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर और f2 हमारे पास है 4 का स्क्वायर। ठीक है, दिस विल बिकम 9 प्लस 16 और ये रूट इज इक्वल्स 25 एंड दिस विल बिकम 5 न्यूटन। सिंपल, ठीक है, तो हमारे पास सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं टू फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज मिनिमम, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, मिनिमम है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि उनका रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम है, तो बताइए एंगल कितना होगा। मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर में कि जब दो वेक्टर्स हमारे पास, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो एंगल कितना होता है 180, और इस वाले कंडीशन में जो रिजल्टेंट है वो हमें मिनिमम मिलता है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट हमारे पास इस केस में बराबर होता है ए माइनस बी के, राइट। अगर ये हमारे पास वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, लेट से दिस वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट मिलेगा ए माइनस बी। ठीक है,
डिफरेंस होता है ना बेसिकली, तो हमारे पास रिजल्टेंट यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाती है, सही। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 180 डिग्री पर जो है रिजल्टेंट मिनिमम होता है, राइट। तो जब भी हमारे पास एंगल 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट आपको मिनिमम मिलेगा, ये या आपने याद रखना है, सही है। और अगर आपको याद रखना हो उस फॉर्मूले से कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अब कॉस की वैल्यूज ऐसी बात है 180 पर मिनिमम हो जाती है कम से कम, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास बेसिकली यहाँ पे, अगर थीटा हमारे पास 0 डिग्री होगा, अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, और अगर हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 0 एंड -1। तो ये कहलाता है मैक्सिमम 0 पर, ये 0 और ये मिनिमम, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था मिनिमम, तो 180 है। अब कंडीशन बताई जा रही है क्वेश्चन नंबर 13 में, कहते हैं ए प्लस बी बराबर है ए माइनस बी के, सही है। तो बताइए इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, रिजल्टेंट है ये और ये भी एक रिजल्टेंट है। तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आएगा। अब इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, लेकिन चले मैं आपको ये सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। ए प्लस बी क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही। और ये आ गया स्क्वायर रूट। और ऐसे ही ए माइनस बी आपके पास क्या आएगा, ए माइनस बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो भाई एक एडिशन है और एक सब्ट्रैक्शन है, सिंपल। अभी दोनों बराबर हैं, इनको आप बराबर इक्वेट करवा लें। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट इज इक्वल्स, यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म, यहाँ से क्या बचेगा, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब ये अगर मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को यहाँ पे लाऊं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट कैंसिल कर दें इसको, सही। अब ये माइनस है, इसको यहाँ पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और यहाँ जीरो बचेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 4ab कॉस थीटा, 4ab कॉस थीटा डायरेक्ट कर दिया मैंने बराबर है जीरो के, इसको इस तरफ भेज दिया तो प्लस हो गया, और ये प्लस ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4ab कॉस थीटा। अब इस 4ab को डिवाइड में भेजेंगे तो अल्टीमेटली कॉस हमारे पास कॉस थीटा क्या आ जाएगा, जीरो। अब कॉस थीटा जीरो है तो कॉस थीटा जीरो क्या होता है, यानी कि अगर आप कॉस जीरो निकालें तो किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है ना। अब हमें चाहिए इसका इन्वर्स, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स कॉस इन्वर्स, ठीक है, 0 डिग्री। तो अब कॉस इन्वर्स जीरो क्या होगा, उल्टा क्या होगा इसका, बताइए 90 डिग्री होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा 90 डिग्री उल्टा हो जाता है बेसिकली, कॉस जीरो होता है 1, सही है ना, और इसका उल्टा क्या होगा, कॉस इन्वर्स जीरो यानी कि 90। सो 90 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्ट याद रखें, फिर मैं कहूँगा आपसे, अगर आपसे ये कंडीशन बताई जा रही है आपको तो आप समझ जाएँ कि ये उसी वक्त होगा जब एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सही है। तो ये आपने याद रखें। अच्छा, अब मुझे आपको करवाना है शॉर्टकट ट्रिक्स, जो कि जैसे साइन की वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू होती है, सही है, ये सारी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन्वर्स तो निकल जाता है अगर एक मरतब आपको वैल्यू चल जाए पता, जैसे हमें पता है भाई कॉस 0 डिग्री, ये देखें कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो कॉस इन्वर्स 0 क्या होगा, अब 1 का जो है वो उल्टा क्या है, 90 हो जाएगा, सही। तो इसीलिए आपको ये वैल्यूज़ में जो है ना वो समझाता हूँ शॉर्टकट तरीके से कि किस तरह से आप याद रखेंगे। देखें ट्रिक टू रिमेंबर वैल्यूज ऑफ साइन कॉस, अच्छा टेंथ हम निकाल लेते हैं वैसे ही।
तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पे लिखें आप कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा आसान है, ये मैं कराऊंगा नहीं, ये आप खुद भी कर लेंगे जब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। वंस यू नो द वैल्यू ऑफ साइन टेन, देन डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो अगर साइन कॉस पता है आपको, तो आप इन दोनों की वजह से टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। तो अब आ जाए ज़ीरो डिग्री, ठीक है। ज़ीरो के बाद हमारे पास है 30, 60, 90, जो हमारे पास कॉमन यूज़ होने वाली वैल्यूज होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। 90 के बाद 180 भी आना है, तो कॉस 180 माइनस वन होता है और साइन 180 ज़ीरो होता है, बस ये आपने याद रखना है। ज़्यादातर चीज़ें ये वाली होती हैं इस्तेमाल। अब साइन ज़ीरो पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखें आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड कर लेना है, इन तमाम वैल्यूज़ को, 2 यहाँ पर भी, 2 और यहाँ पर भी 2, सही। और यहाँ पे हर जगह आपने रूट ले लेना है, हर जगह रूट, ये आसान तरीका है याद रखने का। अच्छा, इसको स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब रूट 0 0 होता है, जाहिर सी बात है, 0 से डिवाइड हुआ तो क्या आ जाएगा, 0। तो साइन 0 की वैल्यू क्या बनेगी, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या बनेगी, 1/2, ठीक है। ये रूट 1 तो 1 ही होता है, और साइन 60 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, रूट पॉसिबल नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे, और इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया आगे, ये सॉल्व नहीं है पॉसिबल होना। अच्छा, कॉस के लिए भी ऐसे होगा, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 और यहाँ पर, 2, सही। अब यहाँ पे हमारे पास उल्टा होगा, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होगा, अब इसमें हमारे पास रिवर्स होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे हमने 45 नहीं लिखा है, 45 जो है बेसिकली इसको भी हमें शामिल करना पड़ेगा। तो चलें 45 भी कर लेते हैं, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये, सही। और मैं भूल गया था तभी मैं लिख नहीं पाया, 45 डिग्रीज, यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री, सही। अब यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, और यहाँ पे देख हमारे पास रूट, यहाँ पर रूट और यहाँ पर रूट, ठीक है। तो 0, 1, यहाँ पे 2 लिख दिया आपने, यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 4 आ जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है, तो 2 × 2, 1, साइन 90 1 के बराबर, सही। अब इसके हमें चलने रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर से क्या मुराद है, रिवर्स ऑर्डर से मुराद ये है कि अभी हमने जिस ऑर्डर को फॉलो किया, अब उसका रिवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, अब रूट हर जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सही है, हर जगह आप रूट लिख लें पहले से। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से और 4 तक गए, अब स्टार्ट ही करें आप 4 से रिवर्स ऑर्डर में, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपके पास, देखें सिंपल है, 4 का रूट क्या होता है, 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, कितना आएगा, 1। तो आपके पास कॉस 0 क्या होता है, 1, पीछे आया था अभी, ये सेम रहेगा। अच्छा, ये हो जाएगा आपके पास, इसको भी छोड़ दें आप, ये सॉल्व नहीं सकता आगे, इसको छोड़ दिया हमने। ये हो जाएगा हाफ, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 0/2, यानी कि 0, तो कॉस 90 0 के बराबर था। अब अगर आपको चाहिए साइन 10 चाहिए, फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, 10 चाहिए आपको 0 डिग्री, तो आपको क्या पता होना चाहिए, साइन 0 डिग्री एंड टेन 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री, सही है। ये साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो इसीलिए हमें साइन भी पता हो कॉस भी पता हो, इनका रेशो होता है। साइन 0 क्या है, 0, और ये क्या है हमारे पास, 1। तो बेसिकली टेन 0 की वैल्यू आती है 0/1, ठीक है ना, जो कि हमारे पास 0 के बराबर है। तो इस तरह से आप ये सारे कंप्लीट कर सकते हैं, सही है। और इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है, 10 के लिए, 10 के लिए शॉर्टकट ये है कि अब आपने क्या करना होगा, आपने दोनों तरफ रूट लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सही है। ये रूट्स आपने यहाँ पे लिखना है, सब में लिखना पड़ेगा,
शॉर्टकट क्या बनेगा मैं बताता हूँ अभी आपको, यहाँ पर भी आएगा ठीक है, और यहाँ पर भी आएगा। अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ज़ीरो से ना, तो अब ऊपर वाले को फॉलो करेंगे आप, ज़ीरो ठीक है, 1 2 3 4 सही है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास आएगा रिवर्स ऑर्डर में, 4 3 2 1 0, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, अभी बता दिया मैंने आपको, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा सिंपल 1 है ना, ये तो कैंसिल हो रहा है, 1 के बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं, ये हमारे पास है बेसिकली अनडिफाइंड, सही, तो ज़ीरो है और इसको हम लोग अनडिफाइंड लिखते हैं बेसिकली, अनडिफाइंड ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनके रेशियोज़ भी निकाल सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, तो ये आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी आप करना चाहें। तो इस लेक्चर में हमने कवर किया टाइप्स ऑफ वेक्टर, हमने पहले देखा डेफिनेशंस स्केलर वेक्टर्स की, फिर हम लोग जो है वो आगे मेथड देखा हमने कि किस तरह से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं ठीक है, फिर हमने रेलिवेंट फॉर्मूले देखे, कंपोनेंट्स देखा हमने ठीक है, वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, फिर हमने इसके प्रॉब्लम्स वगैरह किए राइट। तो ये हमारे पास है कंप्लीट लेक्चर, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू हम करेंगे ठीक है इसके बाद। अगर आपको मजीद प्रैक्टिस करनी हो, क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होप सो आपके सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।